दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतर खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले मुकाबले में हार के बाद बीसीसीआई ने किया ऐसा ऐलान जिसे देख पूरे क्रिकेट जगत में आ गया है भूचाल। और आखिरकार बीसीसीआई ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिससे सभी की नींद हराम कर दी है? दोस्तों, ये तो आपको वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में से कौन बेहतर खिलाड़ी कप्तान है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम पीछे मुड़कर नहीं देख रही है और दूसरे T20 मुकाबले की तैयारी में लग गई है। तो वहीं दूसरा T20 मुकाबला 12 जून को कटक स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम अपनी पहली हार का बदला लेने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलती हुई नजर आएगी और एक एक करके बराबरी करने के लिए भारतीय टीम तैयार है, जिसमें दूसरे T20 मुकाबले के पहले BCCI ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें BCCI ने भारतीय टीम की कप्तानी दूसरे मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या को दी है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ऋषभ पंत किसी कारण पहले मुकाबले में नहीं खेलेंगे और उसके कारण हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पहले मुकाबले को भारतीय टीम बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत की बहुत ही ज्यादा गलतियां नजर आ रही थी। ऋषभ पंत ने उस मुकाबले में बहुत ही खराब कप्तानी की थी और ऋषभ पंत के द्वारा बहुत ही कई गलत फैसले लिए गए थे। उसमें उन्होंने अपने मुख्य खिलाड़ी को बहुत ही कम गेंदबाजी करने के लिए बुलाया और उन्हें गेंदबाजी तब दी जब मुकाबला हाथ से निकल गया, जबकि मुख्य गेंदबाज को विकेट लेने के लिए ही गेंदबाजी कराई जाती है, लेकिन उन्होंने बहुत ही खराब कप्तानी करके सभी को निराश किया। तो वहीं हार्दिक पांड्या को दूसरे T20 के लिए कप्तान बनाया जा रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के उप कप्तान है और उनके द्वारा कप्तानी में मदद ऋषभ पंत को दी गई थी, लेकिन ऋषभ पंत ने उनकी बात नहीं मानी। अब भारतीय टीम को पहले मुकाबले में ऋषभ पंत की कप्तानी के बारे में पता चल गया है और इसीलिए अब ऋषभ पंत की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी जा सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से अपनी शानदार कप्तानी करते हुए गुजरात की टीम को IPL में शानदार प्रदर्शन कराकर चैंपियन बनाया था, उसमें हार्दिक पांड्या का ही महत्वपूर्ण रोल मौजूद था, क्योंकि पांड्या ने गुजरात की टीम के लिए शानदार कप्तानी करी और कप्तानी के साथ अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ टीम के लिए उदाहरण सेट कर दिया और दिखा दिया कि कप्तान मुकाबले को जीतने के लिए खुद ही सबसे आगे चलता है। लेकिन यहां पर पहले T20 मुकाबले में ऋषभ पंत ने खराब बल्लेबाजी करी और भारतीय टीम को तेज तर्रार बल्लेबाजी का योगदान नहीं दे पाए, इसी कारण से भारतीय टीम कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन हार्दिक पांड्या को उनकी शानदार IPL में कप्तानी करने का तोहफा भारतीय टीम की कप्तानी करने के लिए दिया जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, दूसरे T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या को कप्तान भारतीय टीम का बना देना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।